ओके, सो दिस इज योर सेवेंथ लेक्चर ऑफ यूनिट 4, दैट इज फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स के न्यूमेरिकल देखे थे और थोड़ा सा पोर्शन देखा था लॉसेस व्हेन फ्लो ऑकर थ्रू पाइप। तो उसी को अपन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जो कल हमने लॉसेस देखा था कि फ्लो थ्रू पाइप में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, किस टाइप के लॉसेस होते हैं, और उसके बाद हम उसमें एक इम्पॉर्टेंट डार्सी वेइसबाक इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि जब पाइप में फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें दो टाइप के मेन लॉस होते हैं, एक को बोलते हैं मेजर लॉस, एक को बोलते हैं माइनर लॉस। मेजर लॉस जो होता है वो फ्रिक्शन के कारण होता है, जब फ्लूइड फ्लो होता है और वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो उसके लिए एनर्जी का लॉस होता है, हेड का लॉस होता है, उस लॉस को हम बोलते हैं मेजर लॉस। क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, दूसरा कैटेगरी होती है माइनर लॉसेस की, जो ये 7 टाइप के माइनर लॉसेस लिखे हैं। ये अलग अलग टाइप के होते हैं कि पाइप के डायमेंशंस में, पाइप अगर अचानक से पाइप का जो डायमीटर है वो बढ़ गया, या पाइप का डायमीटर अचानक से कम हो गया, फ्लूइड फ्लो हो रहा है और पाइप का डायमीटर सडनली हमने कम कर दिया। ठीक, पाइप में एंट्रेंस में, पाइप के अंदर जब फ्लूड आने वाला है किसी भी टैंक से, तब क्या लॉस होता है? जब पाइप से बाहर निकलता है तब भी लॉस होता है। कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया पाइप में, कोई फॉरेन बॉडी आ गई पाइप में, तो जो लॉसेस होता है। पाइप में बेंड के कारण भी लॉस होता है, हमने देखा ही था कि फोर्स जनरेट होता है यूनिट 3 में, जब पाइप में फ्लूड फ्लो करता है तो बेंड के कारण एक फोर्स जनरेट होता है। ठीक, पाइप की फिटिंग के कारण जो लॉस होता है, तो ये सब लॉस जो होते हैं वो उनका जो जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है, लेकिन जो हायर मैग्नीट्यूड के लॉसेस है वो होते हैं फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी अब वो लॉस को निकालने के लिए कि फ्रिक्शन के कारण कितना लॉस हो रहा है, उसको निकालने के लिए दो साइंटिस्ट ने दो अलग अलग फॉर्मूले दिए। ठीक, तो एक को हम बोलते हैं डार्सी वेइसबाक फॉर्मूला और एक को बोलते हैं चेजेस फॉर्मूला। ठीक, तो हमको हमारे जो सिलेबस में है वो डार्सी वेइसबाक फॉर्मूला है जो ज्यादा आता है, तो उससे रिलेटेड हम डेरिवेशन करेंगे और कैचिस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ठीक, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि मेजर लॉस फ्रिक्शन के कारण होता है, और फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने के लिए डार्सी वेइसबाक ने एक फॉर्मूला बनाया, तो उसका एक डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं व्हेन अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, जब एक पाइप में फ्लूइड फ्लो होता है क्या होता है, जो फ्लूइड वॉल के जस्ट पास में है, पाइप एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हम पाइप मानेंगे कि हमारा जो पाइप है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो जो वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के पास में जो पूरे के पूरे जो उसके सर्कमफेरेंस में जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी क्या कंसिडर करते हैं, हम जीरो कंसिडर करते हैं। ठीक, हमने यूनिट 1 में पढ़ा था नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन, मतलब हम ये कंसिडर करते हैं कि जो भी बाउंड्री है उसके पास जो फ्लूइड का एलिमेंट है या फ्लूइड का मॉलिक्यूल है वो उतनी ही वेलोसिटी गेन कर लेगा जितनी उस बाउंड्री की वेलोसिटी। तो अभी हमारे जो पाइप है वो स्टेशनरी है, तो जो पाइप से चिपका हुआ जो फ्लूइड है, जो पाइप के जस्ट एडजेसेंट जो फ्लूइड की लेयर है उसकी वेलोसिटी भी पाइप जितनी हो जाएगी, मतलब जीरो रहती है, हम ये कंसिडर करते हैं। ठीक, अगेन जैसे जैसे वो फ्लूइड का पार्टिकल पाइप से दूर होते जाता है, जैसे जैसे फ्लूइड के पार्टिकल्स पाइप से दूर होते जाते हैं, मतलब जो एडजेसेंट वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, उसके बाद वाले की वेलोसिटी जीरो से थोड़ी ज्यादा रहेगी, उससे बाद वाले वेलोसिटी जीरो से थोड़ी और ज्यादा रहेगी। अगर मैं इसको डायग्राम के फॉर्म में अगर आप लोगों को समझाना चाहूं, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा पाइप है, ये हमारा पाइप हो गया। ठीक, अब इसके जस्ट बाजू वाला जो है, फॉर एग्जांपल इसके जस्ट बाजू वाला जो सॉरी इससे बनाते हैं, पर इसके जस्ट जो बाजू वाला जो फ्लूइड का पार्टिकल है जो एक पाइप के साथ लगा हुआ है, ये वाला पार्टिकल जो पाइप के साथ चिपका हुआ है। ठीक, अगेन गलत हो गया, कोई बात नहीं, अपन इसको इसी से बनाते हैं। ठीक, ये जो पाइप के बाजू वाला जो पार्टिकल है, सपोज ये जो येलो वाला है जस्ट पाइप के बाजू वाला पार्टिकल है, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी पाइप के जस्ट पास में है, ये चिपका हुआ है पाइप से, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जितनी पाइप की वेलोसिटी, तो पाइप की वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में पाइप से दूर जाते जाएंगे, मतलब इस तरह से, तो यहाँ इस सर्कल में जितने भी फ्लूइड पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी सबकी सेम रहेगी, लेकिन
पाइप से वो ज्यादा दूर है तो उनकी वेलोसिटी ये वाली लेयर की वेलोसिटी से और ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे हम सेंटर में आते जाएंगे वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी हमको कहाँ मिलेगी, जब हम पाइप के सेंटर में आ जाएंगे। हाइगन पॉइजलेस इक्वेशन में हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो पाइप के पास वाला जो एडजेसेंट लेयर है, पूरी की पूरी सर्कमफेरेंशियल एक सर्कल है, उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी। और जैसे जैसे हम पाइप के सेंटर में आते जाएंगे सर्कमफेरेंशियली रेडियली डायरेक्शन में पाइप के सेंटर में आते जाएंगे, वेलोसिटी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम द वॉल एंड दस वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड हेंस शियर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन द होल लिक्विड ड्यू टू विस्कोसिटी। यही वही चीज लिखी है जो हमने हाइगन पॉइज़न में देख लिया है, कि जैसे जैसे हम पाइप से दूर जाते जाएंगे और सेंटर में आते जाएंगे तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलेगा, हमने दोनों कर्व को डिराइव कर लिया है, ठीक। और ये क्यों मिलेगा, बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि हम अब रियल फ्लूड एज्यूम कर रहे हैं, अब हम आइडियल फ्लूड एज्यूम नहीं कर रहे। इस विस्कस एक्शन के कारण क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, ठीक, विच इज यूजली नोन एज फ्रिक्शनल लॉस। इसको जनरली हम क्या नाम से जानते हैं, फ्रिक्शनल लॉस के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये थोड़ी सी थ्योरी हो गई कि डाजी विस्बेक फॉर्मूला क्या करेगा, वो इस फ्रिक्शनल लॉस को पता करेगा, वो इस फ्रिक्शनल लॉस की वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को बताएगा, ठीक। तो अपन एज्यूम करते हैं, इन केस ऑफ फ्लो थ्रू पाइप इट हैज बीन ऑब्जर्व थ्रू एक्सपेरिमेंट दैट द विस्कस फोर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद फ्लूड आर प्रोपोर्शनल टू। जो ये विस्कस जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, जब फ्लूड एक पाइप में फ्लो कर रहा है तो वो डिपेंड करता है वी टू दी पावर एन। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वी टू दी पावर एन पे डिपेंड करता है, और ये एन वेरी करता है 1.5 से लेकर 2 तक, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, अलग अलग पाइप में वैल्यू हो सकती है, अलग 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 फ्लूड के लिए वैल्यू हो सकती है अलग अलग, ठीक। तो ये वी टू दी पावर एन पे डिपेंड करता है, ठीक। और किस पे डिपेंड करता है, फ्लूड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ये देखा गया है। जो फ्लूड की डेंसिटी ज्यादा होती है उसमें विस्कोसिटी ज्यादा होती है और उसमें लॉसेस भी ज्यादा होते हैं। जो फ्लूड की डेंसिटी कम होती है उसमें विस्कोसिटी कम होती है और उसकी जो लॉसेस भी है वो भी कम होते हैं। अगेन एक पाइप में मान लो वाटर फ्लो कर रहा है और उसी पाइप में फ्लो कर रहा है हनी, शहद, तो शहद की डेंसिटी ज्यादा होती है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो वहां पे लॉसेस भी ज्यादा होंगे। द एरिया ऑफ सर्फेसिस कॉन्टेक्ट, मतलब पाइप का डायमेंशन, कि कितना एरिया जो है वो फ्लूड के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, द एरिया ऑफ सर्फेस इन कॉन्टेक्ट। फिर लेंथ ऑफ पाइप, जितनी ज्यादा लंबी पाइप की हम बात करेंगे उतना ज्यादा लॉस होगा, जितनी छोटे पाइप की बात करेंगे उतना कम लॉस होगा, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी तो फ्लूड जो है वो पाइप के कॉन्टेक्ट में ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन है। एंड इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर डिफरेंस पे ये लॉस बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड किन किन चीजों में करता है, चार चीजों में डिपेंड करता है, एक तो वी टू द पावर एन, डेंसिटी ऑफ फ्लूड, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट एंड लेंथ ऑफ पाइप, और इंडिपेंडेंट किससे, प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, तो ये हमको ध्यान रखना। चल अब इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं अपना रही डेरिवेशन। कोई कुछ बोल रहा है, चलिए ओके। तो इसके बाद अपन अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए अगेन हमने एक पाइप, सर्कुलर पाइप को एज्यूम किया है, ठीक। उस पाइप में हमने दो सेक्शन लिया है, सेक्शन 1-1 एंड सेक्शन 2-2, दो सेक्शन ले लिया, उनके बीच की लेंथ हमने ली एल, ठीक। अब ये जो एलिमेंट है, ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में जो एलिमेंट है, सेम वही कर रहे हैं अपन जो अपन ने हेगन पॉइजन इक्वेशन में किया था, बस वहां पे हम निकाल दूसरी चीज रहे थे, यहाँ पे हम दूसरी चीज निकाल रहे हैं। तो ये एलिमेंट की जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें दो टाइप के प्रेशर फोर्स आएंगे, एक पी वन एक पी टू, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा बिकॉज प्रेशर इज ऑलवेज अ कंप्रेसिव फोर्स, ठीक। तो हम ये वाला जो लेफ्ट टू राइट है, ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है इसको हम पॉजिटिव लेंगे और अपोजिट डायरेक्शन को हम निगेटिव लेंगे, ठीक। तो ये पी वन को हम पॉजिटिव लेंगे, पी टू अपोजिट डायरेक्शन में तो निगेटिव लेंगे। अब जब फ्लूड लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, जो ब्लू एरो दिख रहा है आप लोग को, फ्लूड का डायरेक्शन ये है, ठीक। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, जो शियर फोर्स रहता है, वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूड। फ्लूड जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स आता है, ठीक। तो ये फिगर तो आप लोगों को क्लियर होगा आई थिंक। तो देखिए अपन क्या बोल रहे, लेट पी वन इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेक्शन 1, पी टू इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेक्शन 2, पी वन एंड वी टू आर द वेलोसिटीज एज 1 एंड 2। 1 में कितनी वेलोसिटी है, वी वन मान लिया, 2 में वी टू मान लिया।
दोनों के बीच का लेंथ एल मान लिया, डायमीटर दोनों का पाइप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, तो दोनों ही जगह में डायमीटर हमने क्या मान लिया, कैपिटल डी। अब यहाँ पे एक नई चीज आई एफ डैश। एफ डैश है नॉन डायमेंशनल फैक्टर whose value depend upon the material and nature of the pipe surface. ये non-dimensional factor है, F dash, ठीक? इसकी value किस पे depend करती है? कि जो pipe है उसका material क्या है, ठीक? और उसका surface क्या है, rough है कि smooth है। अगर rough होगा तो ये F dash की value ज्यादा रहेगी, smooth रहेगा तो ये F dash value कम रहेगी। और जो हमको इस theory से, इस पूरे derivation से निकालना है, वो क्या चीज़ है? वो है कि हमको लॉस कितना हो रहा है, लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, और हमको उसको हेड के टर्म में निकालना है, लॉस ऑफ हेड निकालना है, ठीक? हेड के टर्म में क्या होता है, बर्नौली थ्योरम में हम देख चुके हैं कि हेड क्या होता है, P बाई रो जी हेड होता है, P1 स्क्वायर बाई 2G। जब भी हम किसी भी पैरामीटर को, उसके डायमेंशन को हम, उसकी यूनिट को हम मीटर में चेंज कर देते हैं, तो मतलब हम उसको हेड के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हमको एच एफ निकालना है। अब अपन स्टार्ट करते हैं एचएफ निकालने के लिए। हम क्या करेंगे, सेक्शन वन और सेक्शन टू के बीच बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। बर्नौलीज इक्वेशन होता है एनर्जी इक्वेशन है, ठीक? ये क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है ये इक्वेशन, कि टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड विल रिमेन कांस्टेंट। एंड व्हाट आर द टोटल एनर्जी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक? तो यहाँ पे पाइप हमारी हॉरिजॉन्टल है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक? हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें, ठीक? सिंस द पाइप इज हॉरिजॉन्टल सो द पोटेंशियल हेड कैन बी अवॉइडेड। हमने पोटेंशियल हेड को अवॉइड कर दिया, क्यों? क्योंकि इनलेट में जितना पोटेंशियल हेड होगा उतना ही आउटलेट में पोटेंशियल हेड होगा। ऑल्सो पाइप इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो भी यूनिफॉर्म है, क्योंकि हमने ले लिया यहाँ पे भी डायमीटर डी है, यहाँ पे भी डायमीटर डी है, तो दोनों ही जगह वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक? वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ओके? तो हमने बर्नौलीज इक्वेशन लगाया। जैसे ही हमने बर्नौलीज इक्वेशन लगाया, हमारा ये बर्नौलीज इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे जेड वन और जेड टू तो हट जाएगा, बी वन और बी टू सेम हो जाएगा, ठीक? तो हमको क्या मिलेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बी वन और बी टू सेम है, तो ये भी वेलोसिटी हेड भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमको जो रिड्यूस इक्वेशन मिलेगा वो होगा पी वन बाई रो जी इक्वल टू पी टू बाई रो जी प्लस एच एफ। एच एफ हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने बर्नौलीज इक्वेशन में देखा था कि आइडियल फ्लूइड के लिए जब हम बात करते थे तो ये एच एफ नहीं रहता था, लेकिन जब हम रियल फ्लूइड के लिए बात करते थे तो ये एच एफ आ जाता था, क्योंकि एच एफ क्या है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है? जब पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है वहां पे, पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है। हमने बर्नौलीज इक्वेशन का एक्सपेरिमेंट भी करके देखा, और हमने देखा था कि हर एक जगह जैसे जैसे हम क्रॉस सेक्शन आगे बढ़ते जा रहे हैं एक पाइप में, कन्वर्जन डाइवर्जन पाइप में, तो हमको जो लॉस ऑफ हेड है, जो टोटल एनर्जी सिस्टम की, वो कम होते जा रही है, ठीक? पहले सबसे पहले क्रॉस सेक्शन में पाइप जो जहां पे हमारा जो पहला पाइप लगा था वहां पे हमारा जो एनर्जी थी वो ज्यादा थी, सेकंड थर्ड फोर्थ जैसे जैसे हम आगे वाले क्रॉस सेक्शन में देखते जा रहे थे तो हमारी टोटल एनर्जी क्या होते जा रही थी, कम होते जा रही थी। तो वो क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हेड। तो वही, उसी की वैल्यू हमको पता करना है। तो एच एफ क्या हो जाएगा हमारा, पी वन बाई रो जी माइनस पी टू बाई रोजी। ओके, यहां तक समझ में आया आप लोगों को कि ये वेलोसिटी काइनेटिक हेड क्यों कैंसल्ड आउट हुआ और पोटेंशियल हेड क्यों कैंसल्ड आउट हुआ? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ऐसा क्लियर है, चलिए, थैंक यू। अब इसको हमने दे दिया इक्वेशन वन, इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन वन। तो हमको हेड अभी किसके टर्म में आ गया, प्रेशर हेड के टर्म में आ गया, कि हेड टोटल लॉस ऑफ हेड कितना होगा, प्रेशर हेड एट सेक्शन वन माइनस प्रेशर हेड एट सेक्शन टू। But HF is head due to friction and hence intensity of pressure will be reduced in the direction of flow of frictional resistance. अब देखिए ये क्या है, loss of head due to friction है। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे क्या होगा, प्रेशर की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ते जाएगी। एंड नाउ दिस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी इंटू वेटेड एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी है, उसको हमने एफ डैश ले लिया है, ठीक है? नॉन डायमेंशनल फैक्टर। हमारा जो वेटेड एरिया है, वेटेड एरिया मतलब जहां पे पाइप के जिस भी डायमेंशन में वाटर है, वाटर कॉन्टेक्ट में, तो वो क्या है, कहां पे कॉन्टेक्ट में वाटर, उसके सर्कमफेरेंशियल एरिया। सर्कमफेरेंशियल एरिया क्या होगा, पाई इंटू डी इंटू एल, पाई डी उसका एरिया हो गया और एल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पाई डी उसका सॉरी सर्कमफेरेंस हो गया, एरिया नहीं, पाई डी उसका सर्कमफेरेंस हो गया, और जैसे ही हमने उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो
वेटेड सरफेस एरिया हो गया। वेटेड सरफेस एरिया मतलब कि कितना पोर्शन जो पाइप का है वो पानी के कारण वेट है। तो जब हमने सेक्शन वन और सेक्शन टू के बारे में बात कर रहे हैं, तो अंदर वाला जो पोर्शन है पाइप का, जो अंदर वाला पोर्शन है जो आपको नहीं दिख रहा है, उसमें उसका एरिया, तो उसका एरिया क्या होगा, सर्कमफेरेंस पाई डी इंटू टोटल लेंथ, तो पाई डी एल हो गया, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो चीज आई है आपकी, ये हमको ध्यान रखना है कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेटेड एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर, और हमको टोटल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आएगा इतना। ठीक, अब जैसे ही हमारा जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इतना आया, तो अगेन फोर्सेस एक्टिंग ऑफ फ्लूइड बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2, ये दोनों सेक्शन के बीच में कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो एक तो प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा है। प्रेशर फोर्स क्या होगा, P1 into एरिया A1, सेम वही चीज कर रहे हैं जो हमने एगेन पॉइज़न्स के लिए किया था, P1 into A1। सेक्शन 2-2 क्या होगा, P2 into A, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आएगा, जब हम इसको फोर्स बैलेंस में लगाएंगे तो हम देखेंगे कि ये वाला जो प्रेशर फोर्स 2 है, सेक्शन 2 में जो प्रेशर फोर्स है उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो उसको हमको माइनस लेना पड़ेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स F, फ्रिक्शनल फोर्स F, तो देखिए अंडर इक्विलिब्रियम क्या होगा, P1 का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, बाकी ये जो F है और ये जो P2 है इसका डायरेक्शन निगेटिव x डायरेक्शन में, तो इन दोनों को हमने माइनस ले लिया, P1A माइनस P2A माइनस F। ठीक, अब हमने क्या किया, F जो हमने इक्वेशन 1 में निकाला था F डैश पाई डी एल वी स्क्वायर, उसको यहाँ पे रख दिया, तो हमारा P1 माइनस P2 क्या आ गया, F पाई डी एल बाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई A, इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा इक्वेशन 1 क्या था, ये HF इज इक्वल टू P1 बाई रोजी माइनस P2 बाई रोजी, इसको इस इक्वेशन में जैसे ही हमने पुट किया तो क्या हो गया हमारा HF, ये रोजी HF एक साइड हो गया, P1 माइनस P2, P1 देखिए यहाँ पे क्या था, P1 माइनस P2, रोजी को मैं इधर लाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लाके, तो P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, रोजी HF। अब इस P1 माइनस P2 की जगह में इक्वेशन 2 में मैं रोजी HF रख दिया, तो P1 माइनस P2 है, P1 माइनस P2 की जगह में मैंने रख दिया रोजी HF, राइट हैंड साइड सेम रहा। ठीक, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, HF को एक तरफ ले जाऊंगा, बाकी सबको एक तरफ ले जाऊंगा, तो मेरे को ये इक्वेशन मिला। A क्या होता है, A क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, तो यहाँ पे मैंने रख दिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर रखा, तो पाई पाई कैंसल हो गया। ठीक, और मुझे मिल गया HF इज इक्वल टू F डैश बाय रो जी इंटू 4 बाय डी इंटू एल इंटू वी स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, ये यहाँ पे स्मॉल डी लिखा गया लेकिन ये भी कैपिटल डी है, तो एक डी से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 4 ऊपर आ जाएगा, एफ डैश बाय रो जी 4 बाय डी एल वी स्क्वायर, डी और एक डी कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा आया, क्या आया मेरा, ये हेड लॉस का फॉर्मूला, ये मेरा आया हेड लॉस का फॉर्मूला। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस एफ डैश बाई रो को देखिए ध्यान से, इसको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। एफ डैश बाई रो को मैंने एफ बाई टू से रिप्लेस कर दिया, एफ बाई टू से रिप्लेस कर दिया, तो ये जो एच एफ वाला जो इक्वेशन है, ये जो एच एफ वाला जो इक्वेशन है मेरा, वो चेंज हो गया 4FLV² / D × 2G। तो ये जो मेरा फाइनल इक्वेशन आया, वो आएगा ये। ठीक, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एफ डैश बाई रो को एफ बाई टू किया है, क्योंकि ये जो एफ है, ये एफ मेरा क्या है, ये एफ है मेरा फ्रिक्शनल फैक्टर, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज डार्सी-वेज़बैक इक्वेशन। बहुत ही आसान है ये, डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है आप लोगों को, कि डार्सी-वेज़बैक फॉर्मूला। तो आप लोगों को एक पाइप कंसिडर करना है, पाइप कंसिडर करने के बाद क्या करना है आप लोगों को, फोर्स बैलेंस लगाना है उसमें, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, P1 लग रहा है, P2 लग रहा है और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक, उसके पहले आप लोगों को इस F की वैल्यू निकालना रहेगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज F डैश पाई डी एल बाय वी स्क्वायर। ठीक है, बर्नौली थ्योरम लगाते हुए आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और फाइनली जो इक्वेशन आएगा वो आएगा HF इज इक्वल टू 4FLV² D / 2G। F क्या है, फ्रिक्शनल फैक्टर, इसकी एक वैल्यू दी रहेगी, L is length of pipe, V square, V is velocity, D is diameter of pipe and G is gravitational acceleration।
तो ये जो हेड लॉस है इट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन फैक्टर, लेंथ ऑफ पाइप एंड वी स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ते जाएगा लॉस बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ते जाएगी लॉस बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे डायमीटर बढ़ते जाएगा लॉस कम होता जाएगा, और ये सब चीजें ये तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। बाकी एफ और जी इज ए कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, बाकी ये तीन को जैसे जैसे हम वेरी करते जाएंगे वैसे वैसे इस एच एफ की वैल्यू चेंज होती जाएगी। क्लियर है इतना? आई होप क्लियर होगा, बहुत ही आसान डेरिवेशन था। अगर आप लोगों को हैगन पॉइसन इक्वेशन समझ में आया तो ये तो बहुत आसान था, ठीक है? यस सर। चलिए वेरी गुड, तो अब अपन स्टार्ट करते yes, हैं, अब एक इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक। लेकिन उसके पहले देखिए एक चीज और थी कि ये जो f की वैल्यू है वो क्या होगी, जो उसमें इस फॉर्मूले में जो f आ रहा है स्मॉल f आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो उसकी वैल्यू देखिए अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि जो हमारा जो फ्लो है उसका रेनॉल्ड नंबर कितना है। एफ क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और वो रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन है। तो अगर हम रेनॉल्ड नंबर को 2000 से कम आ रहा है हमारा, मतलब क्या है लेमिनार फ्लो है, तो जो हमारा एफ है उसकी वैल्यू होगी 16/R। और अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज्यादा है तो जो हमारी एफ की वैल्यू होगी वो होगी 0.079/R, ठीक। तो इस पर डिपेंड हमको रेनॉल्ड नंबर भी निकालना पड़ेगा, वो अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा डार्सी-वेयरबेक से हमने जो फ्रिक्शनल फोर्स है एचएफ की वैल्यू कैसे निकाला। एक और फॉर्मूला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हम देख लेते हैं कि क्या है ये फॉर्मूला। कैजिस फॉर्मूला, कैजिस फॉर्मूला के हिसाब से वी इज इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई, जहां पे वी क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, एम हाइड्रोलिक मीन पाथ है, हाइड्रोलिक मीन पाथ मतलब एरिया बाई पैरामीटर, पाइप का एरिया होता है पाई बाई फोर डी स्क्वायर, उसका पैरामीटर होता है पाई डी, तो एम की वैल्यू आती है डी बाई फोर जब हम इसको रखते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक मीन पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोलिक मीन पाथ एम आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जनरली इसको भूल जाते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द हाइड्रोलिक मीन पाथ, तो आपको बता के होना चाहिए कि हाइड्रोलिक मीन पाथ इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पाइप अपॉन पैरामीटर ऑफ वेटेड पैरामीटर ऑफ पाइप। तो वेटेड पैरामीटर हो गया पाई डी, हमने जस्ट अभी देखा था, एरिया पाई बाय फोर डी, ठीक। सी एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट रो जी बाय एफ डैश, आई लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप होता है। तो ये सब वैल्यू आपको दी रहेगी और आपको वेलोसिटी की मीन फ्लो पूछेगा, ठीक। तो ये जो आई होता है इट इज एच एफ बाई एल, और ये एच एफ की वैल्यू क्या देती है लॉस ऑफ हेड, जो हमने डार्सी-वेयरबेक के लिए निकाला था वही लॉस ऑफ हेड यहाँ पे कैजिस फॉर्मूला में ये आई के अंदर होता है, ये आई की जगह में हम एच एफ बाई एल रखेंगे। अगर हमको वी पता है, अगर हमको एम पता है और अगर हमको सी पता है तो हम एच एफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का यूज जनरली नहीं होता है, हम न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम न्यूमेरिकल में वही फॉर्मूला यूज करते हैं, डार्सी-वेयरबेक का ही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अपन जल्दी से अब न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि इस डेरिवेशन में उतना ज्यादा बहुत ही आसान डेरिवेशन था हमारा, क्योंकि हम इससे डिफिकल्ट डेरिवेशन दो डेरिवेशन कर चुके हैं, दैट इज फ्लो थ्रू पाइप, फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप एंड फ्लो बिटवीन अ पैरेलल प्लेट। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं अपन, दो न्यूमेरिकल देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm एंड लेंथ 50 m। यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, और क्या पूछा है कितना हेड लॉस हो रहा है, मतलब एचएफ की वैल्यू पूछा है। थ्रू व्हिच वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ वेलोसिटी 3 m/s, ठीक। वेलोसिटी दे दिया, डायमीटर दे दिया, लेंथ दे दिया, और हमको एचएफ की वैल्यू पूछा है दोनों फॉर्मूले से, डार्सी-वेयरबेक फॉर्मूले से भी और कैजिस फॉर्मूले से, ठीक। टेक सी इज इक्वल टू 60, अगर हम कैजिस फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पे जो सी है उसको हमको 60 लेना है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर दी हुई है 0.01 strokes, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके, लेंथ मीटर में ही दिया हुआ था, वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में दिया हुआ था, कैपिटल सी की वैल्यू 60 है, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है ये सीजीएस यूनिट है हमको पता है, इसको हमको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया 10^-4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमको पता है एसआई यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो हमने क्या किया इसको चेंज कर लिया, ठीक। लेकिन उसके पहले हमको स्ट्रोक्स को क्या करना पड़ा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में लिखना पड़ा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^-4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक।
अब अपन दोनों फॉर्मूले से देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि डार्सी वेईसबाक फॉर्मूले से क्या आएगा, तो हमको ये फॉर्मूला पता है, एच एफ इज इक्वल टू 4FL V² / D × 2G। ये फॉर्मूला हमने खुद ही ने डिराइव किया। अब यहाँ पे देखिए, वेयर एफ इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ फंक्शन ऑफ आर ई। तो हमको सबसे पहले इस एफ की वैल्यू दी नहीं हुई, तो ये एफ की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, रेनॉल्ड नंबर निकालना पड़ेगा। रेनॉल्ड नंबर हमने देखा है रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट में कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, वी डी बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हमने क्या देखा था, वी डी म्यू बाई सॉरी वी रो वी डी बाई म्यू। तो हमको लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी के बीच का रिलेशन पता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी, म्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो। तो यहाँ पे उन दोनों के बदले, रो और म्यू के बदले, हमको डायरेक्ट काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम डायरेक्ट काइनेमेटिक विस्कोसिटी रख दिए वी डी बाई न्यू। सब वैल्यू रखा तो हमने देखा कि रेनॉल्ड नंबर आया 9 × 10 to the power 5। ठीक, तो फ्रिक्शन फैक्टर हमने देख लिया था क्या होता है, अगर ये क्या है 9 × 10 to the power 5, मतलब हमारा फ्लो टर्बुलेंट है। और हमने लास्ट लाइन में देखा था कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू आती है वो आती है 0.079 upon RE to the power 1/4। तो इससे हमने अपना फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू निकाल ली 0.00256। बस इतना ही था इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस प्रॉब्लम में, इतना ही इम्पोर्टेंट था। उसके बाद तो हमको एल पता है, वी पता है और डी पता है, इस फॉर्मूले में रखेंगे सबको और हमारा आ गया हेड लॉस 0.7828 मीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया हेड लॉस। ठीक, इसको आप लोग बना के जरूर देखिए। ठीक है, यहाँ पे हमको एफ की वैल्यू निकालने के लिए रेनॉल्ड नंबर निकालना पड़ा, क्योंकि एफ किस पे डिपेंड करता है, इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर। और अगर टर्बुलेंट है तो अलग फॉर्मूला है, लैमिनार है तो अलग फॉर्मूला है। अभी इस केस में हमारा टर्बुलेंट आया तो हमने टर्बुलेंट वाला फॉर्मूला लगाया। सिमिलरली जब हम केजिस फॉर्मूले से करेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। वी इज इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई है, सी दिया हुआ है, एम हमने डी बाई फोर हमने निकाला था कि एम क्या होता है ए बाई पी, तो हमने जब उसको सॉल्व किया था तो वो डी बाई फोर आ गया था, तो हमने एम की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब यहाँ पे हमने वेलोसिटी दी हुई है 3 m/s, सब वैल्यू रखा तो आई आ गया हमारा 0.033। आई होता है एच एफ बाई एल। ठीक, तो आई की जगह में 0.033 रखा, एच एफ रखा, एल की जगह में 50 रखा, तो हमारा आ गया हेड लॉस 1.66। अब देखिए यहाँ पे हमारा डार्सी वेईसबाक से अलग हेड लॉस आ रहा है, गैजिस से अलग हेड लॉस आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। ज्यादा जो एक्यूरेट माना गया है वो डार्सी वेईसबाक फॉर्मूले को माना गया है, इसलिए हम जनरली इसी को यूज करते हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। नो सर। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। सिर्फ देखिए इस फॉर्मूले में सिर्फ हमको रेनॉल्ड नंबर निकालना था। ठीक, उसके बाद चीजें बिल्कुल आसान थी, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, एम हमको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते। ठीक, एक और प्रॉब्लम देखते हैं अपन। ठीक है, अपने पास अभी 6 मिनट का टाइम है, एक और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7, तो एक ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी है 0.7, वो एक पाइप में फ्लो कर रहा है जिसका डायमीटर 300 mm है एट अ रेट 500 L/s, और उसका फ्लो रेट कितना दिया हुआ है 500 L/s। तो लीटर पर सेकेंड हमारे काम का नहीं होता, हमारे काम का होता है m³/s। तो इसको 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्लो रेट। Find the head loss due to friction and power required to maintain the flow for a length of 1000 m. तो हमको क्या निकालना है, head loss निकालना है, friction के कारण कितना head loss हो रहा है और उस flow को maintain करने के लिए कितना power लगेगा। Kinematic viscosity दी हुई है 0.29 strokes। तो solution में given में क्या क्या है, specific gravity दी है 0.7, तो इससे density निकल जाएगी 700। Diameter दिया हुआ है 0.3 m। Q हो गया 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई किए तो 0.5। लेंथ हो गया 1000 m। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गई 0.29 strokes, दैट इज 0.29 × 10 to the power -4। ठीक है, तो ये सब वैल्यू हमको दी हुई है और हमको क्या निकालना है, हेड लॉस। तो यहां से हमारे पास Q है, एरिया है हमारे पास, अगर डायमीटर दिया हुआ है तो एरिया निकल जाएगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले तो वेलोसिटी निकाल लिए कि फ्लो की वेलोसिटी कितनी है, V = Q/A. ये Q दिया ही इसलिए था कि ताकि हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सके। ठीक, तो रेनॉल्ड नंबर निकल जाएगा यहाँ से क्योंकि हमको ये पता करना है कि भाई हमारा जो फ्लो है वो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। तो रेनॉल्ड नंबर आ गया V d by mu, ये इसकी वैल्यू क्यों दी थी, स्टोक्स की वैल्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू, ताकि हम रेनॉल्ड नंबर निकाल सके। तो यहाँ से हमारा रेनॉल्ड नंबर आया 7.316 × 10 to the power 4।
ये 2000 से ज्यादा है तो हमारा फ्लो टर्बुलेंट है, तो अगेन एफ की वैल्यू आ गई 0.079 आर ई टू द पावर 1/4, इसी रिलेशन से निकल जाएगा क्योंकि फ्लो टर्बुलेंट है, तो हमारा एफ की वैल्यू आ गई 0.004। बस फिर क्या है, हमको पता है फॉर्मूला एच एफ इज इक्वल टू 4FL V² / D × 2G, वैल्यू रख दिए सब क्योंकि एफ का भी हमने निकाला, एल दिया हुआ है, वी हमने निकाल दिया, डायमीटर दिया हुआ है, तो हमारा आया लॉस ऑफ हेड 163.18 मीटर। ठीक, तो ये पहला आंसर आ गया, फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब पावर रिक्वायर्ड पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, पावर रिक्वायर्ड का रो जी क्यू इंटू एच एफ अपॉन 1000, रो जी क्यू एच एफ इंटू 1000 पावर रिक्वायर्ड, तो ये क्या हो गया, रो जी इंटू क्यू हो गया, क्या हो गया, मास फ्लो रेट, और ये हो गया हमारा लॉस। तो इतना पावर हमको रिक्वायर्ड है किलोवाट के फॉर्म में कि जब फ्लो मेंटेन रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, फ्लो जो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो हमने सब वैल्यूज रखा तो हमको मिल गया कितना, 460.28 किलोवाट। इतना पावर चाहिए अगर मेरे को एक पाइप में ये फ्लो को ऐसा होना कि ये फ्लो हो रहा है, मतलब 500 लीटर पर सेकेंड जो फ्लो रेट है उसको मेंटेन करने के लिए मुझे कितना पावर चाहिए रहेगा, 560.28 किलोवाट। किसी को कोई डाउट, कुछ डाउट है तो पूछिए प्लीज। ना सर, सर समझ में आया अच्छे से? यस सर। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का देखेंगे कि माइनर लॉस क्या होते हैं उनको डिटेल में देखेंगे। मेजर लॉस में इतना ही था कि मेजर लॉस क्या होता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन होता है, और उसका एक डेरिवेशन था और उससे रिलेटेड मैंने दो न्यूमेरिकल भी बता दिए। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कौन कौन से अलग अलग माइनर लॉसेस।